ना थ्री डी गोल्ड, इसको गडकरी जो थे ना हेरिडेटरी मिलिट्री क्लास के आदमी थे, मराठा के अंदर में मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करते थे। इन्होंने रिवोल्ट किया अगेंस्ट उन लोगों के खिलाफ ब्रिटिशर्स, वहाँ भी मूवमेंट, ये एक इसेंशियली एक इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था जिसको फाउंडेड किया था सईद अहमद ऑफ राय बलेली। वो किसके एम्पायर था, अब्दुल वहाब से इंस्पायर था, इसीलिए इसका नाम वहाबी मूवमेंट रखा गया। अब्दुल वहाब कहाँ था, सऊदी अरबिया का था, और एक और था शाह वलीउल्लाह बिल्ली, इस दोनों से इंस्पायर था अहमद, सईद अहमद। सईद अहमद किसी से ना खुश थे, ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ऑन इस्लाम इससे काफ़ी ना खुश थे, और इसी के लिए ये वहाबी मूवमेंट चलाया गया। इनका बेस था पटना, ऑल दो ये वहाँ पर गए थे हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंस, बॉम्बे भी गए थे। इनका क्या था कि डर अल हराम, टेरिटरी ऑफ वार और कैओस को कन्वर्ट करना था डर अल इस्लाम, लैंड ऑफ इस्लाम। इन्होंने जिहाद का नारा दिया अगेंस्ट द सिख किंगडम ऑफ पंजाब। और सिख जब ब्रिटिशर्स के द्वारा डिफीट हो गए 1849 में, तो वहाब ने, और इंग्लिश का वहाँ पे रूल हो गया सिख किंगडम पंजाब में, तो वहाब का मेन एम था कि भैया वहाँ से इंग्लैंड इंग्लिश लोगों को भटाना। तो ये राइजिंग चलती रही वहाब और पंजाब और इंग्लैंड के बीच में, रिवॉल्ट होता हो गया धीरे धीरे, 1880 से 90 के बीच में ये ख़त्म हो गया।